किशोरदा गाते थे, संगीत सजाते थे, अदाकारी करते थे, लिखते थे, फिल्में बनाते थे। लोग कहते हैं कोई दूसरा नहीं हुआ उनके जैसा, हम भी ये मानते हैं, कम से कम उनके जैसा तो कोई नहीं हो सकता है दूसरा। लेकिन कोई है जिसने उस तरफ कदम बढ़ाया है, एक कोशिश की है और दिलों पर राज किया है। आवाज देते हैं उस रेशम सी आवाज को, स्वागत कीजिए हिमेश रेशमिया का। ₹115 सुपरहिट फिल्में, 650 सुपरहिट गाने और ये सुपरहिट शब्द की शुरुआत यहां से हो रही है। हिमेश रेशमिया से ज्यादा सुपरहिट स्वागत हम क्या कर सकते हैं 2016 का। थैंक यू वेरी मच। और सभी दर्शकों को, सभी देखने वालों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी श्वेता जी। थैंक यू। और आपका जो ये नया साल है वो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आप सबके लिए कुछ खास लेकर आ रहे हैं। आपके पार्ट टूज बहुत सारे आ रहे हैं, 13 सुरूर जिससे हिमेश रेशमिया को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसका टू आएगा जी। और इसके साथ साथ एक्सपोज, जिसमें बहुत ही कामयाबी जो भी हासिल हुई मुझे, एक नया अवतार मिला, तो उसके भी सीक्वल इस साल हमारे आने वाले हैं। एंड कई गाने आएंगे। अभी प्रेम रतन धन पायो को जो प्यार आपने दिया है, उसके टाइटल ट्रैक को जिस तरह से आप लोगों ने कामयाब किया है, उसके लिए अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड ट्रैक का रिकॉर्ड जी, बहुत बहुत, जिस तरह से हर शादी में, हर घर में जिस तरह ये गाना बजा है, एक्सेप्ट हुआ है, सो इट्स ऑल थैंक्स टू द ऑडियंस। और एक कलाकार की आज सच्चे दिल से दुआ है कि आप सभी देखने वालों की हर दुआ, हर मनोकामना कबूल हो इस नए साल में। तो क्या हम अपनी शुरुआत इससे कर सकते हैं, या फिर हम बिल्कुल सुरूर को फिर जिंदा। मैं सबसे पहले अपने उस फेवरेट गाने को गाता हूँ जिससे ज्वाइन होके आपको सुरूर भी सुनाऊंगा और प्रेम रतन धन पायो। तेरी मेरी, मेरी तेरी, प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयान ना हो पाए, सारा दिन बीत जाए, सारी रात जगाए, बस ख्याल तुम्हारा लम्हा लम्हा तड़पाए, ये कसक कह रही है मिट जाए फासले, ये तेरे मेरे दरमियान जो है सारे। अब तो सांसे तेरी माला जपती है, तेरे बिना, तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा सनम, हो जिंदगी का गुजारा सनम।
गलियों का वार जैसे शेर का शिकार तेरा हुस्न धुएदार जैसे जलता सिगार तेरे प्यार का नशा कभी यार कभी पार तेरा प्यार 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 तेरा प्यार 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 तेरा प्यार 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 हुक्का बार 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 तेरा प्यार 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 हुक्का 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 बार 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 तेरा प्यार 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 हुक्का बार तेरी चुनरिया मिल ले गई तुमको बताए दिल की पेचीदा राहें चाहे तुमको ही जाने समझो ना कुछ तो समझो ना कुछ तो समझो ना की रात है बचाए मुझे तेरे वार से अरे जुम्मे की रात है जुम्मे की बात है अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से चलाओ ना नैनों से बाण रे चलाओ बाण रे जान ले लो ना जान रे जान ले लो ना जान रे दर्द दिनों के कम हो जाते मैं और तुम दर हम हो जाते मैं और तुम दर प्रेम रतन धन पा प्रेम रतन धन पा आज मन भर आयो प्रेम रतन सैया तू कमाल का बातें भी कमाल की लगा रंग जो तेरा हुई मैं कमाल की प्रेम रतन वा चौधरी को तो नॉनस्टॉप पार्टी हम यहाँ पर मनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप तो ऐसे नॉनस्टॉप अपने सारे गानों के साथ जाते हैं कि वाकई एक के बाद एक लगता है कि पता नहीं इससे बेहतर ये था इससे बेहतर ये था इससे बेहतर क्या था लगता है आपका बेहतर हमेशा आगे आने वाला होता है बस आप लोग इसी बात की दुआ कीजिए मैं मेहनत करता जाऊंगा थैंक यू सो मच धुन देने से शुरुआत की अचानक गाना गाया तो लगा कि उसे बेहतर कर दिया उसके बाद एक्टिंग की वहां पर भी सुपरहिट हो गए हिमेश रेशमिया कहां पर जाकर रुकने वाले हैं कहीं नहीं बस एक जो मेरा मानना है कि माता पिता का आशीर्वाद दर्शकों का प्यार और दुआएं लग जाए बस
तो सब काम हो जाता है. फिर आदमी अपने आप बहुत मेहनत करने लग जाता है. एंड यू पीपल रियली इंस्पायर मी. सो इन दिस न्यू ईयर अगेन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. जय माता दी. सो इन द न्यू ईयर आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. जय माता दी. जय हिंदुस्तान. और प्लीज प्रे फॉर माई सक्सेस एंड आई विल प्रे फॉर योर्स. नहीं, आपके सक्सेस के लिए किसके लिए प्रे करना होगा? कि हिमेश रेशमिया के गाने, हिमेश रेशमिया की जो फिल्में आ रही हैं, बस इसी तरह जो प्यार दिया है बस वो प्यार देते रहिए. और मैं बहुत और मेहनत करना चाहता हूँ इस साल, और बहुत मेहनत करूंगा. तो क्योंकि ये हमारी पार्टी है, यहाँ पर रीमिक्स आपने हमें सुनाया है, लेकिन क्यों नहीं आपका एक ऐसा पार्टी का सॉन्ग हो जाए जहाँ पर लोग जो है वो थिरकने से शुरुआत कर दें? तो फिर झलक दिखला जाए हो जाए. बिल्कुल. कहता रहता हूँ मैं बस तेरी ही बातें अक्सर याद आती हैं. ओ तेरे इश्क को पाना मेरा पागलपन है. तेरे एहसासों में डूबी हर धड़कन है. झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा. एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, एक बार आ जा. हंसी एक एहसास है, खुशी एक एहसास है, लेकिन कभी कभी उस हंसी खुशी में एक सुगंध भी होती. सुगंधा का स्वागत कीजिए यहां पर मंच पर मेरे साथ ढेरों तालियों के साथ, क्योंकि आपका सेहत बढ़ाने नए साल के मौके पर वो आ रही है. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दुनिया के सबसे तेज चैनल, और मैं हूं रिपोर्टर सुगंधा मिश्रा. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे यहाँ पर नौकरी क्यों दी गई है. जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मेरे चेहरे पे इतना तेज है, इतना तेज है, जिसकी वजह से मैं अपनी रियल लाइफ में भी इतनी तेजी से काम करती हूँ कि एक हफ्ते बाद होने वाली घटनाएं भी मैं एक हफ्ते पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि अपने मन से ही तो बना के बतानी होती है ना यार. क्रिएटिविटी नाम की भी कुछ चीज होती है. खैर, बढ़ते हैं अपने खास बुलेटिन की ओर. जानते हैं नए साल पे आम आदमी का क्या कनेक्शन है. साल के पहले दिन स्कूल के सभी बच्चे बहुत ही सतर्क रहते हैं, बहुत ही शांत रहते हैं, ताकि उन्हें स्कूल की टीचर से कोई डांट ना पिट जाए, नहीं तो पूरा साल वैसे ही जाएगा. साल के पहले दिन ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज अपने बॉस से बहुत ही डरे सहमे से रहते हैं, ताकि अगर बॉस ने साल के पहले दिन डांट दिया तो पूरा साल चक 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 डांट ही खाते रहना पड़ेगा. लेकिन साल के पहले दिन दुनिया में केवल एक ही ऐसी प्रजाति है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो है पति, पति, पति. जी हाँ, वही पति जो इस वक्त आपके साथ बैठा है, वही पति जो शायद आपके लिए अभी चाय बनाने के लिए रसोई में चला गया, वही पति. उसे कोई टेंशन नहीं होती कि साल का पहला दिन कैसा भी जाए, क्योंकि बाकी के साल के 364 दिन तो ऐसे ही जाने होते हैं. चलते हैं हमारी खास पेशकश बॉलीवुड की खबर की ओर. बॉलीवुड में 2016 हर एक सितारे के लिए रहेगा शानदार, सिवाय आलिया भट्ट के, क्योंकि उनके हिसाब से नया साल चाहे तो बेकार हो, चाहे मन्यूस हो, लेकिन शानदार बिल्कुल ना हो.
भी खबर आई है कि फंकी पांडे ने 2 मिनट के इंटरव्यू देने से किया है इनकार। ठीक भी है यार, 2 मिनट इंटरव्यू देने में निकाल देंगे तो साइकिल पे गुब्बारे कौन बेचेगा, है ना? मतलब इंटरव्यू जाए लेकिन जॉब ना जाए। आई रिस्पेक्ट। एक मिनट, क्या खास सूत्र से पता चला है कि हमारे बीच में बॉलीवुड सितारे पहुंच चुके हैं और सबसे पहले हमारे बीच में आ चुकी है कटरीना कैफ जी। जोरदार ताली हो जाए कटरीना कैफ के लिए। कटरीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नए साल पे। आप ये बताइए कि नया साल आप मनाएंगी? नो, मैं नया साल बिल्कुल नहीं मनाऊंगी। कब तक मनाती रहूँ? लाइक रणबीर नाराज होता है उसका भी मैं मनाती हूँ, और रणबीर के पापा नाराज होते हैं उनको भी मैं मनाती हूँ, और मम्मी तो हमारी शादी के लिए वैसे नहीं मानी हुई, और नया साल भी अब मैं ही मनाऊँ? कुछ तो आप लोग मना लीजिए। या ओके कटरीना जी, मनाने से हमारा मतलब है कि सेलिब्रेशन। क्या आप सेलिब्रेट करेंगी? आई नो क्या मतलब है इसका, और तुम मेरे से हिंदी में बात करो, हिंदी में। ओके, आई अंडरस्टैंड हिंदी, और मैं हिंदी लर्न कर रही हूँ। यू नो, यू वांट मी टू से समथिंग? या अ से औरत, अ से आदमी, एंड अ से मैंगो। या आमरस। क्या बात है, बहुत अच्छे। कटरीना, आपसे जानना चाहेंगे कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है आपका? या मैं ये कहना चाहूँगी कि न्यू ईयर पे रणबीर की सभी मूवीज़ की स्क्रिप्ट्स मैं अप्रूव करूँगी। मैं कहूँगी तो रणबीर काम करेगा, और मैं कहूँगी तो नहीं काम करेगा। फालतू का तमाशा मुझे नहीं मांगता। ओके, तो इसका मतलब है कि आपकी भी सारी स्क्रिप्ट्स रणबीर अप्रूव करेंगे? हाँ, और नो, एक्चुअली मेरे स्क्रिप्ट में अप्रूव करने वाला कुछ होता ही नहीं है। सिर्फ 2 डायलॉग्स होते हैं और 4 गाने, और बाकी तो मैं एक्सप्रेशन से संभाल लेती हूँ। यू कैन सी आई एम सो गुड इन राइट नाउ। आई एम एंग्री। Now I'm happy now. Yeah, you can see. बिल्कुल हम देख रहे हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है आप। उम्मीद करते हैं कि 2016 आपके लिए बहुत अच्छा रहे। ऑल द बेस्ट। अब हम बुलाएंगे मर्दाना आवाज की मलिका, यानी के उषा उथप जी को। उषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी एंट्री हुई है तो एक जोरदार गाना हो जाए। हाँ, हेलो लवलीज, आर यू रेडी विद मी टू सिंग एंड क्लैप? आर यू रेडी बेबीज? कम ऑन, हरी अप हरी, हे हरी अप हरी, हरी अप हरी, हरी अप हरी, हरी अप हरी, हरी अप हरी। कम है कोई तो कम मारो यारो, कम की तो वसे जाए। लेकिन उषा जी, ये गाना तो थोड़ा सा पुराना हो गया है। मतलब आजकल के यंगस्टर्स चाहते हैं कि आप कुछ नया गाएं, जैसे डीजे वाले बाबू इस तरह के गाने आए हैं, तो डीजे वाले बाबू अगर आप सुना देंगे तो मजा आ जाएगा। ओह या व्हाई नॉट, मैं बिल्कुल सुनाऊंगी, क्यों नहीं सुनाऊंगी बेटा। या हे डीजे वाले बाबू गाना बजा दे, डीजे वाले बाबू गाना बजा दे, डीजे वाले वक्त थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दे। एक सितारा जो कि है मेलोडी क्वीन, नाइटिंगेल, सुर कोकिला, उनके पास तो जाना बनता ही है। यानी कि मैं बात कर रही हूं हमारे देश की दीदी लता दीदी के लिए। जोरदार तालियां हो जाए। नमस्कार कर 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 नमस्कार कर कर कर। क्या बात है दीदी, आपके आते ही एक को आ गया माइक पे। वाह दीदी वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका दीदी।
हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2015 के गानों के बारे में आपका क्या ख्याल है। 2015 में गाने आए थे? एक बहुत ही सुपरहिट गाना था, डीजे वाले बाबू। वो तो आपने सुना ही होगा, डीजे वाले बाबू। डीजे वाले बाबू? बेटा मैंने बनारसी बाबू सुना है, रिक्शे वाले बाबू सुना है, तबले वाले बाबू सुना है, गिटार वाले बाबू सुना है, लेकिन ये डीजे वाले बाबू क्या है? दीदी, डीजे वाले बाबू जो डीजे बजाता है वो, उसे कहते हैं। अच्छा, तो ये तो मेरे ही गाने की कॉपी है। तुम्हें याद है मेरा एक गाना हुआ करता था, सुर दो बेटा। डफली बजा वाले से कॉपी करके डीजे वाले बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद लता दीदी आपका हमारी आंखें खोलने के लिए। लेकिन अब क्योंकि नया साल है तो हम सब चाहते कि आपकी तरफ से एक प्यारा सा मीठा सा तोहफा हो जाए हमारे सभी दर्शकों के लिए। तो ठीक है भाई, इस मौके पर सभी के लिए सुरीली खीर बनाऊंगी। भाई जितनी महिलाएं बैठी हैं बेटा, कॉपी कलम लेके रेसिपी नोट कर लो, बहुत काम आएगी। लेकिन मेरा साथ देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी शर्मिला बेटी को, शर्मिला टैगोर। दूध चाहे पैकेट का हो या हो दूध गाय का। शर्मिला दीदी, दीदी दूध भैंस का भी हो सकता है। शर्मिला तुम्हारे लिए तो बकरी का भी चलेगा। नोट करो, किचन में जो पतीला है उसी में दूध ले लो। किचन में जो पतीला है उसी में दूध ले लो। थोड़ी चीनी, थोड़ी मिश्री या ड्राई फ्रूट ले लो। उबालो तुम दूध, उबालो तुम दूध फिर 10 मिनट। आप लंबा हो रहा है, दूध जल जाएगा। खैर दीदी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप एक आखिरी मैसेज दे दीजिए हमारे सभी दर्शकों को। बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदी लाइट। वेयर द पार्टी टुनाइट ऑन द डांस फ्लोर। वेयर द अब से कोई 14 साल पहले दिल में रहने आया था, रहा भी और अब भी रहता है। फिर पता चला वो इडियट हो गया है, उसके बाद पता चला कि वो अदरक सा बढ़ रहा है। आप समझ ही गए होंगे हम जिक्र किसका कर रहे हैं। आर माधवन का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अकेले नहीं आए हैं वो, बल्कि 3 इडियट्स पीके, इन सब के जो पापा हैं राजू हिरानी, उनके साथ आ रहे हैं। स्वागत कीजिए इन दोनों का। जिस जोड़ी से ऑल इज वेल का एक सुकून मिला था वो अब साला खड़ूस कहने लगा है। आपका आपकी तो शक्ल देखकर लगता भी नहीं है कि आपके साथ कोई ऐसी फिल्म होगी जिसमें खड़ूस का तो नामो निशान नहीं है आपने। अब नहीं लगता, ऐसे देख के नहीं लगता। उसमें नहीं लगता था, उसमें बड़े साफ सुथरे से ऑल इज वेल करते थे, अब तो देख के बिल्कुल खड़ूस लगते हैं। यकीन मानिए आपको, इस फिल्म के बाद जो भी गलतफहमी मेरे बारे में आपको थी
वो सब दूर हो जाएगी। ये दूर करने की कोशिश ही है क्या? नहीं नहीं यार, एक्चुअली मैं जब मैं तो पला बड़ा बिहार में हूँ, तो मैं हाँ तो मैं उन लोगों में से था जहाँ पे माएँ कहती थी कि भैया इस लड़के के साथ मत खेलो, ये बर्बाद कर देगा तुम्हें। तो सारे बच्चे मुझसे दूर रहते थे, तो मैं उस टाइप का बंदा हूँ। अभी तक अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ कि मैं नाइस गाय हूँ। आपको बॉक्सिंग आती है? मैंने सीखी इस फिल्म के लिए, कुछ 7 महीने मैंने ट्रेनिंग ली। और पहले तो मैं बॉक्सिंग सीखा, फिर मुझे वो भूल कर पैडिंग सीखना पड़ा, जो कि कोचेस करते हैं। यानी कि सिखाने के लिए एक और जो तरीका होता है वो सीखना होता है। तो दोनों मैंने की, काफी इंटरेस्टिंग था। तो अगर कोई सीखना चाहे तो उसे आप बॉक्सिंग सिखा सकते हैं? हाँ, पैसे लूंगा लेकिन सिखा सकता हूँ। अरे आइए भाई साहब। आइए, क्यों नहीं, एक आध दांव पिच। हाँ, तो ऐसे बैठे बैठे सीखेंगे क्या ये बॉक्सिंग? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि आप चाहते क्या है। सर मुझे 10-12 स्टेप जो होते हैं बॉक्सिंग के वो प्लीज सिखा दीजिए, मैं भी सबका सामना कर सकूं। पहला होता है इसे कहते हैं जैब। ये होता है जैब, यानी कि आपको एहसास हो इससे पहले ठाक, उसे कहते हैं जैब। लेकिन मारते समय आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है कि आप भी सेम टाइम मार दिए तो मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ना, तो इसे कहते हैं जैब। दूसरा है स्ट्रेट, यानी कि हाथ से सीधा मारा आपने और नाक बदल गया आपका। तीसरा है इसे कहते हैं हुक, यानी कि साइड में घूम के आता है कि आप सामने देख लो ठाप, ये जो सीरम आते हैं ना वो, उसे कहते हैं हुक। और फाइनली जो नॉकआउट पंच होता है उसे कहते हैं अपर कट, यानी कि नीचे से यूं दिया आपने कि हाँ उठा के जबड़ा बड़ा उड़ के बाहर कर लिया और वो नॉकआउट। कुछ सीख पाए? सीख लिया मैं, नॉकआउट मुझे अच्छा लगा। हाँ, सबको ही अच्छा लगता है, ट्राई करना चाहते हो मेरे साथ? नहीं नहीं। अच्छा, थैंक यू ब्रदर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। लेकिन इसमें जो लीड एक्ट्रेस है जी, वो बताया जाता है वो बॉक्सिंग जानती है अच्छी तरीके से और आपको सीखना पड़ा। देखिए जब फिल्म इंडस्ट्री में लोग आते ना, हाँ, वो कहते हैं हाँ मैं घोड़ा चला लेती हूँ, मुझे यू नो बंदूक चलाना आता है, मैं थोड़ी बहुत कराटे कर लेती हूँ। उस टाइप की लड़की नहीं है ये। हाँ, ये है जो 3-4 इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जीत चुकी हैं। हाँ, और जब हमारे एक्शन सीक्वेंस हुआ करते थे तो जो फाइटर्स आते थे ना वहाँ पे, उनके साथ रिहर्स करते थे वो लोग। सर ये एक्चुअली हुआ बीच में, तो एक शॉट है कि वो उसको 3-4 लोगों को मारना है और फिर मैं आता हूँ उसको बचाता हूँ और फिर उससे बॉक्सिंग करवाता हूँ उसी गुस्से में। तो रिहर्सल में तो वो मेरे तमिल के फाइटर्स थे, बोले आने कैसे हैं आप लोग, मैंने कहा बिल्कुल ठीक हूँ। कहते हैं सर ये लड़की नहीं है, मैंने कहा हाँ। तो कहते अच्छा कोई बात नहीं, रिहर्सल करें। हाँ, और जब उसने एक्शन कहा तो इसको हमने बताना भूल गया कि भाई असली में नहीं मारते। उसको लगा मतलब एक्टिंग में तो सब कुछ ठीक था, पर जहाँ पंचेस का सवाल था सर, उसने ऐसा गोदा है दो बॉक्सरों को कि वो तो शॉट में तो मार खा लिया उन्होंने। हाँ। फिर आके मुझसे कहते हैं यार भाई ऐसा क्या हाथ चला दिया यार ये। मैंने कहा सर असली बॉक्सर है तो अभी क्यों बताया, पहले नहीं बताया आपने? मैंने बोला नई लड़की है। मैंने कहा आपने थोड़ी पूछा कि बॉक्सर है, तो उसको एक्चुअली बताना पड़ा एंड शी इज रियली केपेबल ऑफ नॉकिंग आउट। उसने मार के मेरा एक दांत को ऊपर कर दिया था शॉट के ड्यूरिंग द शूटिंग, सो शी इज अ प्रॉपर बॉक्सर। तो उस दांत का क्या हुआ? तो मुझे वेट करना पड़ा, उसको वापस एक्सरे लिए, फिर एक ब्रेसेस डालकर जो भी मेरे दांत में डाल उसको नीचे ले आए। सीरियसली इस तरह की चीजें हो रही हैं आप? ये देखिए ना मेरे दांत में ब्रेसेस छोटा हो गया था, एक दांत। हाँ। इनको एक्सरे दिखाना चाहिए, एक दांत ऐसा छोटा हो गया, हीरो की कंटिन्यूटी खराब हो गई। लेकिन साला शब्द अभी भी गाली के तौर पर ही देखा जाता है इसे, फिल्म के नाम के साथ इसे जोड़ देना? नहीं, साला तो बड़ा प्यार से कहा जाता है, मुझे लगता है कि आई थिंक आप पता नहीं कहाँ पे से गाली समझा था, हम जिस स्कूल में पढ़े, हम जिस कॉलेज में पढ़े, हम जहाँ जहाँ पढ़े दोस्तों को हमेशा किसी नाम से बुलाते थे, डांट पड़ती है साले किधर है तू, कहाँ है, कब आएगा, साले कब आ रहा है। करेक्ट, तो साला तो बड़ा अफेक्शन वाला, मेरे को लगता है इससे ज्यादा अफेक्शनेट वर्ड नहीं है। आप बड़ा, आप सोचिए अपने दोस्त से आप इज्जत से बात करोगे कि आप कैसे हो, हमारा आप कब मिले, कितना बोरिंग है दोस्त, साले कब मिल रहा है, ये इतना अफेक्शन उस वर्ड में तो। और देखिए हमारा ये प्रैक्टिस हो गया है, जैसे हमने 3 इडियट्स किया था। हाँ। तो उस वक्त भी इडियट्स जो है नेगेटिव वर्ड था। उसके बाद अब जो है सब कह रहे हैं कि वो बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि एक ऐसे इंसान को का वर्णन करता है जो
अपना अलग रास्ता खुद ढूंढता है. सो मुझे लगता है कि ये साला हम डिनाई नहीं कर सकते कि हर एक इंसान कभी ना कभी हमेशा जरूर बोलता है. एक ट्रिब्यूट है हमारा ये. एक्चुअली दिस फिल्म इज अ ट्रिब्यूट टू ऑल आवर मेंटर्स, या ऑल आवर कोचेस, ऑल पीपल हु टॉट अस समथिंग इन द लाइफ. हम उनको बड़े अफेक्शन से कह रहे हैं कि यार ये साला खड़ूस नहीं होता तो हम नहीं होते. It's a tribute to the Sala Khadosis. बहुत बहुत ही मतलब it was wonderful कि आप लोग यहाँ पर आए और नए साल के आने के मौके पर आपने ये सारी चीज़ें शेयर की. और इसीलिए हम चाहेंगे कि हम तो आप सबको विश कर ही रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, आप भी अपने अंदाज में हमारे सभी दर्शकों को विश करें. आप सभी लोगों को 2016 की बहुत बहुत शुभकामनाएं. उम्मीद करता हूँ कि ये साल में आपको बहुत सारा प्यार, कामयाबी, सुख, शांति और अपने घर वालों के साथ बहुत सारा वक्त मिले. आई रियली विश यू अ वेरी हैप्पी, प्रॉस्परस एंड अ हेल्थी 2016. आप सबको मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. उम्मीद करता हूँ आपकी सेहत अच्छी रहे और आप नए साल में अपने अपने साला खड़ूस को ढूंढ के निकालें और एक कमाल की जादू की झप्पी जाके उन्हें दे कहें कि आपके बिना मैं वो नहीं हो सकता. सो इट्स अ ट्रिब्यूट टू द साला खड़ूसेस. सारी इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर से. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वायुसेना के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है. ISI से कनेक्शन. Hello and welcome to the Air End Special of Gadgets and Gizmos. And just like every other technology Air End Special show, we have also called in a panel of experts. Joining us on the show would be Satya Nadella, who will be talking about Apple.